हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ हिंदी केजी यूकेजी यूनिट टेस्ट 1 बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म्स। और इसका सिलेबस है कासे ग्या, 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और 4 अक्षर वाले शब्द। ठीक है, आजकल इस टाइप से ऑनलाइन टेस्ट पेपर डिज़ाइन किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। तो हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं 10 क्वेश्चन का एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा हो तो वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उसके आगे के मतलब क्वेश्चन पेपर 2, 10 और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसी टाइप से आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएँ, क्योंकि MCQ बेस्ड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं और बहुत ईजी वे में डिज़ाइन किया है इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अक्षर वाला शब्द है, 3 अक्षर से मिलकर बना हुआ शब्द, बच्चों को आपको पढ़ के बताना है और ये ऑप्शंस उनसे खुद पढ़वाने हैं, अगर वो पढ़ पाते हैं तो वेरी गुड। जैसे 3 अक्षर वाला शब्द कौन सा है, खाटा खट माला मल खटमल, ये 3 अक्षर वाला शब्द है नहीं, क्योंकि इसमें तो 4 अक्षर हैं, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को ऑप्शंस भी आने चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि रॉन्ग हो रहा है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है, उनके पास रीज़न होना चाहिए। और ये वाली एज में तो वैसे भी रटवाना नहीं है, हमें बच्चों को थोड़ा सा सिखाना है इस वे में। ठीक है, तो और एक चीज़ और मुझे आप लोगों से बोलनी है कि अगर आपके बच्चे के 10 out of 10 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एज बच्चों के सीखने की है। और अगर ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर दिया भी जा रहा है और आप उसमें खुद से आंसर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी, बच्चा सीखेगा क्या। ठीक है, तो हम पढ़े थे यहाँ पर खटाखट मालामल खटमल, ये 4 अक्षर वाला है तो ये रॉन्ग होगा। वाना वन, ये 2 अक्षर वाला है, हमें ढूंढना है 3 वाला, इसलिए ये भी रॉन्ग होगा। काला कल, यस ये भी रॉन्ग होगा। का ला मा कलम, ये राइट होगा, क्योंकि कलम मीन्स पेन होता है और उसमें 3 अक्षर भी आते हैं। माँ के बाद क्या आता है, या रा हा और वा, क्या आता है इसमें से, अब हम पूरा लिखवा लेते हैं। जैसे हम लिखवा लेते हैं पा फा बा भा मा और नेक्स्ट लाइन या रा ला वा शा। ओरली वर्बली बता रहा है बच्चा तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लिखवा भी सकते हैं। अब आप पूछ सकते हैं माँ के बाद क्या आता है, देखो इसमें माँ के बाद क्या आ रहा है, या आ रहा है ना, रा वा हा तो नहीं आ रहा, या आ रहा है, तो आंसर कौन सा ठीक होगा, या वाला, बाकी सब रॉन्ग होंगे। उसमें फॉर्म्स का जो गूगल फॉर्म्स का फॉर्मेट में रॉन्ग नहीं करना है आपको, सिर्फ राइट पे क्लिक करना है बस। 2 अक्षर वाला शब्द है, दमक का दमक नहीं, टाबा टब, हाँ ये हो सकता है, दूसरे भी चेक कर लेते हैं। फसाला फसल, क्या ये 2 अक्षर वाला शब्द है, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें 3 अक्षर हैं। उसके बाद है ना माँ का नमक, सो ये भी 2 अक्षर वाला शब्द नहीं है, बिकॉज इसमें 3 लेटर्स हैं, 3 अक्षर हैं, सो राइट आंसर इज़ टब, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दो अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस चित्र पहचान कर सही अक्षर पर निशान लगाओ। तो ये पहचानना है आपको चित्र क्या है, ये है शलगम। पहले आप चित्र दिखा के बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये चित्र कौन सा है, और उसके बाद उनकी स्पेलिंग कैसे लिखा जाता है उससे आपको मैच करवाना है। लाइक जैसे शलगम की स्पेलिंग क्या होती है, शलगम, तो अब इसे मैच करना है। जैसे टमटम है, टमटम नहीं है, खटमल क्या ये खटमल है, नहीं, मलहम क्या ये मलहम है, नो, तो राइट आंसर क्या होगा, शलगम जो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कलश बना है, कलश किस किन किन अक्षर से मिलकर बना है, शाला का से मिलकर बना है, या फिर ये इससे तो मिलकर नहीं बना है, शाला का से, का ला शाह कलश से मिलकर बना है, का शाह ला इससे भी नहीं मिलकर नहीं बना है, ला का के बाद ला फिर शाह आना चाहिए, का ला शाह, हाँ ये इससे मिलकर बना है, लेकिन लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, का ला सा है, देखो शाह और सा में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये इसके चक्कर में बच्चे कहीं गलत ना कर दें, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, शाह और शाह में डिफरेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज़, 4 अक्षर वाला शब्द है, इसमें से 4 अक्षर वाला शब्द ढूंढना है। आप ऑप्शन बच्चों से बहुत अच्छे से पढ़वा सकते हैं, जैसे फर्स्ट है अमारा अमर, तो इसमें 4 अक्षर है नहीं, क्योंकि इसमें 3 अक्षर है। ठीक है, फिर जैसे आ और माँ और रा, पहले काउंट भी करवा सकते हैं आप इसको, जैसे 1 2 3, तो इसमें 3 हैं, तो ये 4 वाला नहीं है। बा ता खा बतख, इसमें भी 3 अक्षर हैं,
ये भी चार अक्षर वाला शब्द, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। समय या समय, तो ये भी सेम है क्योंकि इसमें तीन अक्षर है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर डी, शार अक्षर बातपत, तो ये चार अक्षर वाला शब्द है इसलिए ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस चित्र पहचान कर सही शब्द पर निशान लगाओ। तो ये पिक्चर सबको पता है क्या है, ये कमल, हर बच्चा देख के पहचान लेगा। अब इसकी स्पेलिंग ढूंढनी है हमें, इसके चारों ऑप्शन में इसकी स्पेलिंग कौन सी होगी। जैसे ना या ना नयन, क्या ये नयन है? नहीं, ये नयन नहीं है, तो ये रॉन्ग है। कामाला कमल, कमल है ना ये, हाँ तो ये राइट होगा। गा गाना गगन, क्या ये गगन है? नो, गगन भी नहीं है। लहरा लहर, क्या ये लहर है? नहीं। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, सिर्फ कमल राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज तीन अक्षर वाला शब्द है, इनमें से तीन अक्षर वाला शब्द कौन सा है? तो ये आप पढ़ के बताएंगे और ऑप्शन हम बच्चे को ही पढ़ने देंगे। आबा अब ये है? नहीं, ये वाला नहीं है क्योंकि तो इसमें दो अक्षर है। ऐसे ही बी ऑप्शन है, भाज जाना भजन, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दो अक्षर हैं, इसमें सॉरी ये भजन वाला होगा क्योंकि इसमें दो अक्षर हैं, चख में भी दो अक्षर हैं और मत में भी दो अक्षर हैं। तो है राइट आंसर कौन सा होगा? भजन। ठीक है, अब चार अक्षर वाला सही शब्द ढूंढना है। सारा, क्या हुआ? थमरस, ये तो चार अक्षर इसमें हैं। दूसरा देखते हैं सथमर, ये भी चार अक्षर है लेकिन ये इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब तीसरा वाला चेक करते हैं, मस थर, तो ये कोई अक्षर है, चार तो अक्षर है लेकिन ये सेंसेबल वर्ड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर मस, थर मस, सही अक्षर ढूंढना है हमें, तो सही अक्षर कौन सा है? ये तीनों नहीं है क्योंकि इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। थर मस है क्योंकि वो वाटर बॉटल होता है, सब बच्चों के पास होता है, इसलिए ये राइट आंसर होगा डी। बच्चे इसी में कंफ्यूज जाते हैं, उन्हें लगता है ये भी वर्ड ठीक है, ये वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें चार अक्षर आ रहे हैं, आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चित्र पहचान कर सही अक्षर पर निशान लगाइए। अब ये है काइट, तो आप ऐसे पूछेंगे बताइए किससे कहाँ आती है काइट, जैसे पा से पतंग होता है या फिर का से पतंग होता है या फिर फा से पतंग होता है या बा से पतंग होता है। तो आंसर होगा इसका बा, पा से पतंग होता है। तो राइट आंसर इसका होगा ए, तो आप उस पर टिक करवा सकते हैं। अब ये हो गए हमारे पूरे कंप्लीट 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके बच्चों के कितने ठीक है, ठीक है, आप बता सकते हैं कितने आंसर ठीक है। ये पूरे 20 क्वेश्चन हमने दो पार्ट में कंप्लीट किए हैं। इसका पहला वाला पार्ट जो है वो मैंने पूरा बना दिया है, उसकी वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया 10 क्वेश्चन। अब हम आएंगे इंग्लिश वाले पर, इंग्लिश का देखेंगे मैं, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट करके बताइएगा और इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ देखिएगा। और यहाँ लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर करना, और यहाँ सब्सक्राइब वाला बटन है, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।